कहीं पर सफ़र करते हुए, कहीं घूमने जाते हो, कभी ऐसा महसूस किया कि गलत आ गए, रास्ता कुछ गलत चूज कर लिया और थोड़ा आगे निकल गए? सबसे पहला स्टेप क्या लेते हैं? सबसे पहला स्टेप लेते हैं सही क्या है, वो चीज़ जैसे ही एहसास होता है यू टर्न लेना। जितनी जल्दी हो सके कोशिश करते हैं वापस चलो उस जगह पर जहाँ से मिस्टेक शुरू हुई। यस और यस यस। तो लाइफ ही भी कुछ ऐसा ही करती है। ज़िंदगी में कई बार हम ऐसे गलत करियर में आते हैं जो उस वक्त पढ़ाई करते हुए या जब हम करियर बनाने की सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट हैं या बेरोजगार हैं, उस वक्त के लिए हमें अच्छा लगता है, सही लगता है, अडॉप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बट आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज़ कि ये मेरे लिए सही नहीं था, या यहाँ पर सफोकेट हो रहे हैं, या यहाँ पर वो फ्रीडम नहीं है, वो ग्रोथ नहीं है जो इतने समय देने के बाद या इतनी एनर्जी देने के बाद हमें मिल सकती है। लाइक मी, मुझे ये रियलाइजेशन हुआ 13 इयर्स के बाद कि मैं जिस करियर में हूँ वो करियर में वो ग्रोथ नहीं है जिस ग्रोथ के लिए मैं वहाँ पर वर्क करती हूँ। जिस वक्त ये करियर ऑप्ट किया था, बैंकिंग का करियर, उस वक्त मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उस वक्त के लिए वो बेस्ट ऑप्शन था, इसलिए उसमें भी बेस्ट दिया, आगे और आगे आए, ज्वाइन किया, आगे बढ़ी, सब हुआ। लेकिन जब रियलाइजेशन हुआ उस वक्त भी पीछे नहीं हटे, उस वक्त भी एक ट्राई करके देखा। जिस करियर में ग्रोथ के लिए 13 साल लगे उस ग्रोथ को 19 महीने में सरपास कर पाए इस नए करियर से। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपकी कैपेबिलिटी आप डिसाइड करते हो, आपकी मेहनत आपका ग्रोथ डिसाइड करता है, लेकिन कहाँ? जब वो जरिया सही हो, जब वो रास्ता सही हो, जब वो डेस्टिनेशन सही हो। जिस वक्त तक रियलाइज़ नहीं हुआ है तब तक के लिए ओके है, जैसे ही रियलाइज़ होता आता है कि ये यहाँ पर उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है जितना ग्रोथ आप डिज़र्व करते हो, वो वर्क वो टाइम डिज़र्व करता है, तुरंत बदलने का सोचिए, तुरंत कुछ एक्स्ट्रा करने का सोचिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, एक्सप्लोर करिए उसको, थिंक अबाउट इट। और कोई सही गाइडेंस चाहिए, कुछ ऐसा पर्पस चाहिए, तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।